पुणे में 18 मई को हुए पोर्श कांड मामले में आरोपी नाबालिग के पिता बिल्डर विशाल अग्रवाल को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। न्यायालय ने उसे 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। इससे पहले कोर्ट ले जाने के दौरान कुछ लोगों ने विशाल अग्रवाल का विरोध करते हुए पुलिस वैन पर स्याही फेंकी और नारेबाजी। पुलिस ने इस मामले में अब तक आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। FIR के मुताबिक नाबालिग के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, ये जानने के बावजूद उसके पिता ने उसे लग्जरी कार चलाने के लिए दे दी। बिल्डर को यह भी पता था कि उसका बेटा शराब पीता है, फिर भी उसे पार्टी में शामिल होने की इजाजत दी। पुलिस ने जिन 4 और लोगों को गिरफ्तार किया है उसमें पुणे के रेस्टोरेंट के मालिक का बेटा नमन प्रहलाद भूतड़ा, उसका मैनेजर सचिन काटकर, ब्लैक क्लब होटल के मैनेजर संदीप सांगले और उसका स्टाफ जयेश बोनकर शामिल हैं। इन पर नाबालिग आरोपी को शराब परोसने का आरोप है। जो आज आरोपी लाए थे विशाल जी अग्रवाल, वो जो मेन आरोपी है जिन्होंने एक्सीडेंट किया है उनके पिताजी हैं, तो पिता की जो जिम्मेदारी है वो उन्होंने अच्छी तरह से वहन नहीं की है। एक पिता की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चे का ख्याल रखे, उसे अच्छे वातावरण में रखे, और जब पता है कि वो 18 साल का नहीं है तो उसे पब में नहीं देना जाने देना चाहिए, और जब उसके पास लाइसेंस नहीं है तो उसको ड्राइविंग के लिए इतनी बड़ी कार नहीं देनी चाहिए। ये सब जो जिम्मेदारी की लक्षण है वो सब एब्सेंट है इसमें, और इसलिए पिता करके उन्होंने एक अपयश दिखाया है, इसलिए उनके जामीन को विरोध किया गया और उनको 24 तारीख तक पुलिस कस्टडी से जुडिशियल कस्टडी में रखने के ऑर्डर हुए। और पूरे मामले को लेकर हमारे सहयोगी ने एक सीनियर लॉयर नितिन सतपुते से बात की है। उन्होंने क्या कहा है इस मामले में, क्या कुछ बताया है, क्या कुछ डिटेलिंग इस मामले को लेकर कानूनी पहलू के लिए है, वो आप देखिए। उसके ऊपर जो ट्रायल जो हुआ था वो सेशन कोर्ट में चला। अब ये मामले में देखिए, एक तो ये माइनर है, एक तो रूल की जो फ्लाउट होते हैं, जो रूल का वायलेशन होता है या कानून का वायलेशन होता है, शुरुआती तौर से पूरा वायलेशन ही है। एक तो माइनर होने की वजह से गाड़ी नहीं देना चाहिए, उसके पिता ने उसको गाड़ी दिया, उसको शराब परोस दी गई, बार में पब में उसको एंट्री दी गई, और उसके बावजूद उसको मालूम होते हुए कि शराब पीने के बाद मेरे हाथ से कोई अपराध हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, ये जानने के बाद भी उसने गाड़ी चलाई, यानी कि उसने जानबूझकर ये सब चीज़ें की है। इसके लिए इसके ऊपर 304(2) का कलम यानी धारा लगनी चाहिए था, उसके ऊपर उसको गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, गिरफ्तार करके उसको कोर्ट में पेश करना चाहिए था, लेकिन ये केस में ये हुआ नहीं। इस केस में पुलिस ने शायद उसको थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिया, उसको शायद हेल्प किया, इनडायरेक्टली उसको हेल्प ही हुआ है उसकी इसी वजह से। कल का आपने स्टेटमेंट देखा होगा कि अमितेश कुमार का, जो पुणे के CP है, उन्होंने कहा कि कानून की टीम या कोई फॉर्म मेरे सामने बैठे और मुझे बताए कि इसके ऊपर कौन सी धारा लगनी चाहिए थी, तो मैं आज ये बोलता कि उसके ऊपर 304(2) की धारा लगनी चाहिए थी और उसको उसी कानून के तहत या प्रावधान के तहत उसको गिरफ्तार करके उसको कोर्ट में पेश करना चाहिए था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी झारखंड पहुंची।